Students of class 5, now these are the very short question answer. Children, as you know, our course is very lengthy and I told you before many times ki we have to do so much hard work in ABS, especially in ABS, and so many questions are there. So I am also sending very short question answer. Which type of water should we use for drinking purpose? Kaun sa water humko drinking ke liye use karna chahiye? We should use sweet, fresh and clean water फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. हमें स्वीट यानी मीठा, ताज़ा और साफ पानी यूज़ करना चाहिए. वाट विल बी द इफेक्ट इफ द ड्रेन्स कैनाल्स दैट कम इन द वे ऑफ द फ्लो ऑफ रेन वाटर आर ब्लॉक. क्या होगा यदि बारिश होने के समय, जब बारिश होती है तो उस टाइम जैसे नालियाँ वगैरह रुक जाती है ना, तो इस तरह से क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि ऐसा हो तो? इट मेक्स द सिचुएशन ऑफ फ्लड. यदि सारे ड्रेन्स, सारे केनाल्स पानी से भर जाएंगे तो क्या होगा कि फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी. इज देयर एनी बिग पॉन्ड और डैम इन योर नियर बाई एरिया? क्या आपके आसपास के एरिया में कोई बड़ा तालाब या डैम है? यस, देयर आर जैसमन, दे आर जैसमन डैम एंड सिलीसेड लेक. अपने अलवर में है ना जैसमन डैम और सिलीसेड. यस, हाउ मैनी पॉन्ड्स और केनाल्स आर कनेक्टेड टू इट? इनसे कितने पॉन्ड्स हैं, कैनाल्स कनेक्ट हैं? टू पॉन्ड्स आर एंड टू कैनाल्स. यहाँ पर आपका देखो एंड आएगा. टू पॉन्ड्स एंड टू कैनाल्स आर कनेक्टेड टू इट. इन विच मंथ ऑफ ईयर द पॉन्ड हैव मोर वाटर? कौन से महीने में, कौन से मंथ में साल के पॉन्ड्स में ज़्यादा पानी होता है? इन मानसून सीजन. मानसून सीजन यानी बारिश में पानी ज़्यादा होता है पॉन्ड्स में. And the next question is the water of different ponds used for different purposes? क्या अलग अलग ponds का पानी हम अलग अलग purpose के लिए use कर सकते हैं? Most of the water of the ponds are used for drinking and irrigation purpose. वो कौन से purpose हैं, हमें बताने हैं कि इन ponds का पानी कौन से अलग अलग purpose के लिए हमने use किया है या करते हैं? तो mostly है drinking के लिए और irrigation के लिए. हाउ इज़ द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर डन एट योर होम? घर पर हम पानी को कैसे प्योर करेंगे, साफ करेंगे? तो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम इज फिल्ट्रेशन बाय कॉटन क्लोथ, बॉइलिंग ऑफ वाटर यूजिंग RO सिस्टम बाय केमिकल्स. यानी कॉटन क्लोथ से फिल्टर करके, छान कर पानी को बॉइल करके, और RO सिस्टम अपने घर में होता है, और केमिकल्स के थ्रू जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन को या पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डाल देते हैं तो सारे जर्म्स उससे मर जाते हैं, बैक्टीरियाज मर जाते हैं. व्हाई आर द स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेप वेल्स? स्टेप वेल्स में सीढ़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं? स्टेयर्स आर मेड ऑन द ऑल साइड्स इन द स्टेप वेल्स टू रीच द वाटर, पानी तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ये ज़मीन में गहराई में बनी होती हैं इसीलिए. व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर ऑफ द स्टेप वेल्स इज नॉट डर्टी? हमें क्या करना चाहिए कि स्टेप वेल का पानी गंदा नहीं हो? वी शुड नॉट मेक द वाटर डर्टी ऑफ स्टेप वेल्स एंड इट शुड बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमें इस पानी को गंदा नहीं करना चाहिए और समय समय पर हमको इसको साफ करते रहना चाहिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वेरी शॉर्ट इज फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन ए वेल? वेल में पानी कहाँ से आता है? द वाटर कम्स इन ए वेल फ्रॉम द ग्राउंड वाटर लेवल. हमारी ज़मीन के अंदर जो पानी होता है वो ही वेल में आता है. दैट्स इट. सो डू ऑल ऑफ देम टुडे. थैंक यू.